हेलो गुडविल इंटर कॉलेज के यूट्यूब सेगमेंट पर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं मैट्रिक्स की क्लास 2 की। अभी तक हमने मैट्रिक्स की एक क्लास पढ़ी है, उसमें हमने सिर्फ बेसिक जाना और एक हमने उसमें क्वेश्चन भी सोल्व किया था। अब हम क्वेश्चन 1 से आगे सोल्व कर रहे होंगे और हम चीजों को बहुत बारीकी से समझ रहे होंगे और स्टेप बाय स्टेप समझ रहे होंगे। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। में कहा है यदि एक मैट्रिक्स है, उसमें पूछा फर्स्ट क्वेश्चन है ए में कितने स्तंभ हैं। तो मैंने क्या बताया था, जब भी हमें स्तंभों की संख्या देखनी हो तो हम सबसे पहले इस टाइप की लाइन देख रहे होंगे, इस टाइप का नंबर का अरेंजमेंट देख रहे होंगे, जैसे 1 2 3। मेरे पास जो रिजल्ट आया वो आया कितना 3। तो मेरे पास स्तंभों की संख्या हुई कितनी 3। अब जैसे मुझे देखना है ए में कितनी पंक्तियां हैं, मैंने क्या बताया था, जब भी हम पंक्तियां देख रहे होंगे तो हम इस टाइप का अरेंजमेंट देख रहे होंगे, 1 2 3 एंड 4। तो मेरे पास पंक्तियां कितनी हुई 4। अब जैसे मुझसे पूछा ए का क्रम क्या है, तो मैंने कुछ चंद लम्हों पहले बात की थी कि जब भी हम क्रम फाइंड आउट कर रहे होंगे तो पंक्तियों की मल्टीपल स्तंभों के साथ कर रहे होंगे, तो मेरे पास पंक्तियां कितनी है 4 और स्तंभ कितने हैं 3 मल्टीपल 3। ये मेरे पास हो गया ए का क्रम 4 मल्टीपल 3। अब मुझे पूछ रहा है ए में अवयव की संख्या बताओ। मैंने कुछ चंद लम्हों पहले या फर्स्ट वीडियो में बात की थी, जब भी हमें अवयव की संख्या फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या करेंगे, हम पंक्तियों की मल्टीपल स्तंभ में कर देंगे, जो हमारा रिजल्ट आएगा वो ही हमारे अवयव की संख्या होगा। अब मैंने 4 की 3 में मल्टीपल करी तो कितना आया 12 और यही हमें प्रूव कर। अभी तक जो हमने पढ़ा वो केवल बेसिक था। अब हम थोड़ा सा आगे लेंथी क्वेश्चन पे जा रहे होंगे और जो एग्जाम ऑफ यू से काफी इम्पोर्टेंट है, अब उन क्वेश्चन को सोल्व कर रहे होंगे। जो क्वेश्चन नंबर 3 है पिछले 10 साल में 5 टाइम पूछा गया, नंबर 3 में केवल 3 पार्ट है, लेकिन यहाँ पर मैंने व्हाइट बोर्ड पर केवल 2 पार्ट ही लिखे हुए है क्योंकि जो फर्स्ट पार्ट है वो बिल्कुल सेमी सेकंड पार्ट ही है। अब हम फर्स्ट पार्ट पे डिस्कस कर रहे हैं, यदि एक समूह में 12 अवयव है तो उस अवयव के सभी संभव क्रम ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सबसे पहले ये देखता इसमें टोटल अवयव कितने हैं, इसमें टोटल अवयव कितने हैं 12, इसमें टोटल अवयव कितने हैं 12। तो अब मुझे 12 के ऐसे जोड़े बनाने होंगे जिनका मल्टीपल कितना हो, जिनको मल्टीपल करने पर क्या है 12। तो आपको बताएं बच्चों, जब भी जोड़े की बात होती है तो जोड़ा हमेशा 2 का होता है। अब मुझे है ना 12 की उन नंबर चाहिए, मैंने क्या बताया था नंबर चाहिए जिनको है ना मल्टीपल करने पर 12 ही आता हो। अगर मैं 1 की 12 में मल्टीपल कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा 12 ही आएगा। अगर 12 की 1 में भी तो मल्टीपल हो सकती है, मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, जब भी तो मेरे पास रिजल्ट वही आएगा 12। हाँ या ना, अरे बोल नहीं रहे हो। अगर मैं 4 की 3 में मल्टीपल कर दूं जब भी तो रिजल्ट 12 ही आएगा, और इस 4 को 4 मल्टीपल 3 को मैं 3 मल्टीपल 4 भी तो लिख सकता हूँ, जब भी मेरे पास क्या आएगा 12 ही आएगा। अगर मैं 6 की 2 में मल्टीपल करूँ जब भी मेरे पास क्या आएगा 12, और जो मैं 2 की 6 में मल्टीपल करूँ जब भी मेरे पास क्या आएगा 12। इससे अदर कोई भी ऐसा जोड़ा नहीं है जिनकी मल्टीपल करने पर 12 आए। तो अब ये पूछ रहा है कि अवयव के सभी संभव क्रम बताइए। और आपको मैंने एक बात बताई थी, जब भी हम है ना इनकी बात कर रहे होंगे किसकी क्रम की, तो हमेशा किसमें आएगा पोस्ट में, इस टाइप के पोस्ट में। हाँ ना, तो ये क्या हुए, इसके टोटल 6 हो गए क्रम। लेकिन क्या हुआ 2019 में, बहुत ध्यान से इस चीज को आपको समझना है, 2019 में यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट के एग्जाम में ये आया, मतलब क्वेश्चन के बिल्कुल यहाँ पर डिजिट चेंज थी, बस ये पूछा था अवयव के क्रम बताइए। उसने ये नहीं पूछा कि अवयव के ओनली क्रम बताइए, मतलब अवयव के क्रमों की संख्या बताइए। यूपी बोर्ड 2019 में जो सितंबर में कंपार्टमेंट का एग्जाम हुआ था उसमें ये आया। तो आपको बच्चों कुछ नहीं करना, आपको हमें इतनी लंबी चीज नहीं देखनी, हमें क्या करना, अगर मेरे पास सम संख्या है, क्या है मेरे पास सम संख्या है, अगर मेरे पास सम संख्या है तो मैं उनको 2 से भाग दे दूंगा और जो भी आएगा मेरा आंसर। जब मैं इसको 12 को 2 से भाग गया हूँ तो कितने रिजल्ट आ रहा है 6, और यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6, तो ये मेरे पास क्या हुआ आंसर। लेकिन ये चीजें
जब 2019 के यूपी बोर्ड में आई, एक नंबर में आई, एक नंबर मेरे लिए क्या होगा, बोनस होगा अगर यहाँ पर क्या है सम, लेकिन विषम में एक कंडीशन फॉलो नहीं होगी। अब हम देख रहे हैं विषम पर। अब जैसे मेरे पास 15 है, क्या है 15, अवयव कितने हैं 15। अब जैसे मुझे 15, अब मुझे 15 के ऐसे पेयर बनाने हैं जिनका मल्टीपल क्या है 15। 115 जा 15 और 15 जा मैं को लिख सकता हूँ, हाँ या ना, ये हो गया। अब क्या हुआ 3 की 5 में करूं जब भी क्या आएगा 15, और 5 की 3 में करूं जब भी कितना आएगा 15। इससे अदर कोई भी पेयर इसका नहीं बन रहा, तो इसके टोटल कितने पेयर हुए 4। ये हो जो प्यारे बच्चों फोर्थ क्वेश्चन है, ये है एक अवयव के अवयव ए बी सी और डी है, इन अवयव से निर्मित निम्नलिखित अवयव के लिखिए। मेरे पास पहला है 1 × 4 का क्रम का अवयव लिखिए। जैसे कि मैंने कुछ चंद लम्हों पहले बात की थी, जब भी किसकी बात होती है कर्म की, और जो कर्म की बात हो रही है, जो मेरे पास ये फर्स्ट नंबर होगा इसको तो मैं नाम क्या दूंगा पंक्ति। आपके याद होगा जब भी हम किसी भी अवयव का क्रम फाइंड आउट करते हैं तो आप सबको पता होगा जो मेरे पास पहले पंक्ति मल्टीपल स्तंभ होता है, तो ये मेरे पास पंक्ति हुई और मल्टीपल ये क्या हुआ स्तंभ। अब इसमें ये कहा है कि अब हमको एक ऐसा अवयव चाहिए जिसमें क्या हो पंक्ति तो एक हो और स्तंभ कितने हो 4 हो। तो अब हम सबसे पहले तो अवयव का सिंबल बना लेंगे। उसके बाद मैंने आपको एक बात बताई, जब भी हम है ना कोई अवयव नहीं हो गए बना, तो हमेशा हम अवयव को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसे मैंने इसको ए मान लिया, ये मेरे पास क्या हुआ अवयव। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं नंबरों का अरेंजमेंट करूंगा, नंबरों का अरेंजमेंट जो मुझे गिवन है उसी कंडीशन के हिसाब से मैं नंबरों का अरेंजमेंट कर रहा हूँ। जैसे मेरी बात तो हुई बात पंक्ति, पंक्ति कितनी है 1, आपको पता है पंक्ति यही तो होती है, तो ये मेरे पास क्या है पंक्ति 1 है, क्या है मेरे पास पंक्ति 1 है। तो और मेरे पास स्तंभ कितने हैं 4, कॉलम कितनी है 4, और वो किस फॉर्म में होना चाहिए ए बी सी डी की फॉर्म में होना चाहिए। तो ए बी सी और डी, ये मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसमें पंक्ति 1 है पंक्ति। अब हम इसके सेकंड पार्ट पे आ रहे हैं। अब जो इसका सेकंड पार्ट है इसमें कहा 4 × 1 के क्रम का मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। अब जो इसमें ये 4 है बेटा, ये 4 क्या है इसकी पंक्ति और 1 क्या है स्तंभ। अब जैसे मेरे पास अब मुझे एक ऐसा अवयव चाहिए जिसमें क्या हो 4 तो क्या हो पंक्ति। अब मैं मान लिया ये मेरे पास एक क्या है अवयव और उसको मैंने बी से रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे 4 क्या चाहिए पंक्ति, लेकिन ए बी सी डी और 1 चाहिए कॉलम, तो ए बी सी और डी, ये मेरे पास क्या हो गया 4 × 1 का अवयव हो गया। अब हम इसके थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं। जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कहा है 2 × 2 के क्रम के 4 भिन्न भिन्न अवयव बताइए, और वे भी ए बी सी और डी की फॉर्म में होने चाहिए। अब आप एक बात देखो, 2 और 2 का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 तो चाहिए रो और 2 ही चाहिए हमको क्या कॉलम। अब हमको एक ऐसा मैट्रिक्स चाहिए जिसमें 2 तो रो और 2 ही क्या हो कॉलम। अब मैंने क्या करा, ये 4 मैंने ऐसे के लिए बना 1 2, और ये हो गया 3 और ये हो गया 4। और आपको एक बात और पता होगा, जब भी मैं मैट्रिक्स रिप्रेजेंट कर रहा होगा तो कैपिटल लेटर से मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसे मैंने ए नाम दे दिया, इसे बी, और इसे नाम दे दिया मैंने सी, और इसे नाम दे दिया मैंने डी। अब मुझे क्या चाहिए, 4 भिन्न भिन्न अवयव चाहिए, तो ये तो मेरे पास हो गया ए बी सी डी, और इसे नाम दे दिया मैंने डी ए बी सी, और इसे नाम दे दिया मैंने ए सी बी डी, और इसे नाम दे दिया मैंने बी डी ए सी।